iOS 18.1 का RC अपडेट है वो फाइनली सभी आईफोन के लिए अवेलेबल हो चुका है। अगर आप पब्लिक बीटा या फिर डेवलपर बीटा यूजर हो तो आप चेक करना आपकी डिवाइस में यहाँ पर iOS 18.1 का फाइनल अपडेट या आखिरी अपडेट बोलो या स्टेबल अपडेट बोलो तो वो है iOS 18.1 RC अपडेट। उसकी जो साइज है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है 6.7 GB के आसपास। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कौन से न्यू फीचर, कौन से बग्स और इस अपडेट में कुछ बैटरी ड्रेन का इश्यू मेरे को देखने को मिला है, तो सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं iOS 18.1 का जो अपडेट है वो फाइनल अपडेट आ चुका है सभी पब्लिक और डेवलपर बीटा यूजर्स के लिए। जो बिल्ड वर्जन है वो है 22v8.2 और ये जो अपडेट है वो आखिरी अपडेट होने वाला है और साथ ही साथ ये जो अपडेट है वो स्टेबल यूजर्स के लिए भी रोल आउट होने वाला है। अगर आप यहाँ पर डेवलपर बीटा या फिर पब्लिक बीटा हो और आपको स्विच करना है स्टेबल वर्जन पर तो सिंपल सा सॉफ्टवेयर अपडेट में आ जाना है और ये जो RC अपडेट है उसको अभी डाउनलोड नहीं करना है और यहाँ पर जो ऑटोमेटिक अपडेट है इसको टर्न ऑफ कर दो और जो बीटा अपडेट है उसको टर्न ऑफ कर दो तो ही आप लोगों को iOS 18.1 का जो स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिलेगा। अगर आपने RC अपडेट डाउनलोड कर लिया अपने आईफोन में तो कोई आपको स्टेबल बिल्ड है वो देखने को नहीं मिलेगा। जो सबसे पहले फीचर्स देखने को मिल जाता है वो है हियरिंग एड का। एयरपॉड प्रो 2 कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था जिसमें हियरिंग लॉस का एक नया फीचर्स देखने को मिला था कि उससे आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपका यहाँ पर लेफ्ट और राइट हियर लॉस है या फिर नहीं। जैसे ही अपना एयरपॉड कनेक्ट करेंगे अपने आईफोन के साथ तो कुछ हियरिंग एड का एक पॉपअप शो करेगा। गेट स्टार्ट बटन पर टैप करना है और आपको यहाँ पर लेफ्ट राइट का एयरपॉड है उसको पेयर कर लेना है। यहाँ पर एक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपको कंटिन्यू करते जाना है। अगर आपको कोई जो साउंड है वो सुनाई देता है तो उसके बेस पर यहाँ पर आखिरी एक ऑप्शन है, आखिरी टेस्ट रिजल्ट आपके सामने देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लेफ्ट ईयर और राइट ईयर में कितना आप डेसिबल तक साउंड सुन सकते हैं उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो मोर डिटेल्स पर टैप करके गाइस आप काफी सारे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो सारे डेटा है वो आप अपने डॉक्टर को दिखाकर अपना हियरिंग लॉस का जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर आप इलाज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली काफी कमाल का फीचर होने वाला है। अगर आपके पास नया एयरपॉड है तो ये फीचर डेफिनेटली ट्राई करना। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में आप जैसे ही एयरपॉड कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे जो न्यू फीचर है हियरिंग एड के वो आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट एयरपोर्ट वाले यूजर ही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पता है iOS 18.1 में जो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है और जो फीचर है नया वो आ चुका है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है आपकी डिवाइस में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर तो चेक कीजिए, आपके भी आईफोन में यहाँ पर जो नया कॉल रिकॉर्डिंग है वो आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी सारे आईफोन 15 प्रो, प्रो मैक्स और उसके अबव यानी कि 16 सीरीज के आईफोन है उसमें नया एप्पल इंटेलिजेंस का जो फीचर है वो भी रिलीज हो चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं और न्यू अपडेट्स की, न्यू चेंजेस की। तो इस RC अपडेट में कोई नया फीचर्स देखने को नहीं मिला है। एक कंपाइलेशन ऑफ ऑल बीटा अपडेट है यानी कि जो भी पिछले अपडेट में आप लोगों को फीचर्स देखने को मिले थे वो सभी फीचर्स आप लोगों को RC अपडेट में देखने को मिल जाते हैं। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें iOS 18.1 RC अपडेट की तो यहाँ पर मेरे को कुछ बैटरी ड्रेन का इश्यू है वो देखने को मिला है। अब यहाँ पर आप फोटो सेक्शन में जाके मैं दिखाऊँ तो मैंने कल रात को स्क्रीनशॉट ले लिया था अपडेट डाउनलोड करने के बाद और सारे रिजल्ट टेस्ट करने के बाद, तब मेरा बैटरी था 24% रात के 12:26 के आसपास। फिर मैंने फोन को कर दिया लॉक और जैसे ही मैंने मॉर्निंग में चेक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं 8% का ड्रॉप देखने को मिला है। 16% मेरा यहाँ पर बैटरी अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं आइडियल बैटरी ड्रेन अभी हो रहा है RC अपडेट में भी। अगर मैं सेटिंग्स में जाके बैटरी में जाके दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं सडन ड्रॉप मेरे को देखने को मिला है जब मैंने यहाँ पर अपने आईफोन को अपडेट किया और उसके कुछ ही देर के बाद। अब यहाँ पर अब पता नहीं क्योंकि अभी ये अपडेट रिलीज हुआ है तो थोड़ा टाइम यहाँ यूज करूंगा फिर जाके पता चलेगा कि यहाँ पर पूरा बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपने iOS 18.1 का RC अपडेट है उसको डाउनलोड किया है या फिर नहीं। अगर आपके आईफोन में बैटरी ड्रेन का कोई इश्यू देखने को मिला है तो यहाँ पर आई बटन में जाके आप नया वीडियो चेक कर सकते हैं और अपने आईफोन में बैटरी ड्रेन का जो इश्यू है उसको फिक्स कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस ओवरऑल काफी स्मूथ देखने को मिल जाता है, कोई ऐसा लैग देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की तो जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है वो होगा यहाँ पर 28 अक्टूबर के आसपास स्टेबल यूजर्स को देखने को मिल जाएगा iOS 18.1। अगर आपने RC डाउनलोड कर लिया है तो कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, बट 29 के दिन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाला है iOS 18.2 पब्लिक बीटा 1 का अपडेट। तो डेफिनेटली इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कौन से न्यू फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे,
तो यहाँ पर आई बटन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं, क्या आप लोगों को iOS 18.1 का RC अपडेट है उसको डाउनलोड करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप पब्लिक यूजर या फिर डेवलपर बीटा यूजर हो और आपको स्टेबल वर्जन पर स्विच नहीं करना है तो आप लोगों को यहां पर iOS 18.1 का RC अपडेट डाउनलोड कर लेना चाहिए। बट अगर आपको स्विच करना है स्टेबल वर्जन पर तो आप लोगों को यहाँ पर 18.1 का RC बिल्ड है उसको डाउनलोड नहीं करना है। आपको नेक्स्ट वीक जो स्टेबल अपडेट है वो डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। बट याद रखना, आपका जो बीटा अपडेट है वो यहाँ पर ऑफ होना चाहिए। अगर आपके भी आईफोन में इस अपडेट को डाउनलोड करने के बाद कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम देखने को मिला है तो कॉमेंट सेक्शन में बताना, और कोई नया फीचर आप लोगों को डिस्कवर हुआ है तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हमको भी ये पता चले। बाय द वे, यहाँ पर टैप करके आप लेटेस्ट अपकमिंग iOS 18.2 में कौन से न्यू फीचर्स आने वाले हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो पर टैप करें और नए फीचर्स देखिए iOS 18.2 के।